चेतावनी होती है चेताना। मैं आपको चेता रहा हूँ कि सुधर जाओ, बुजुर्गों की बात कर लो, बुजुर्गों का हक और अधिकार दे दो। बुजुर्गों का हक और अधिकार दोगे तो झोला भर के उठा के जाना नहीं पड़ेगा, झोला भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, झोला भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। और एक बार बनो प्रधानमंत्री, दो बार बनो, तीन बार बनो, पांच बार बनो, मैं तो कहता हूँ ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहो, लेकिन हमारे बुजुर्गों का अधिकार दे दो, हमारे बुजुर्गों को उसका हक दे दो, हमारे बुजुर्गों को उनका सम्मान दे दो, हमारे बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार अगर नहीं दोगे तो हम आपको भी कहते हैं आपकी भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, और लगातार गुहार लगाते रहेंगे, गुहार के बाद दहाड़ लगाएंगे। बात हुआ, याचना नहीं अबरल होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और कलेजा ठोक के मनोज सुराजिया जंतर मंतर से ऐलान करता है कि अगर एक महीने के अंदर मोदी जी आपने भी ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आपके खिलाफ भी जाएंगे, आपके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल जी हो, मोदी जी हो, जो भी सत्ता में है, जहां भी सत्ता में है, हम सबके खिलाफ जाएंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और लगातार आपसे कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और जिसके दिल में आग नहीं है, कहते हैं मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंतर मंतर के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी सब आप लोग मेरे साथी हो, मैं भी आपकी कम्युनिटी से आता हूँ। सबसे पहले तो आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज जो है वो जो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे आपके जीवन में, क्योंकि हमारा जिससे रोजगार चलता है सोशल मीडिया से, तो आज सोशल मीडिया का दिन है, आज इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे है। तो आप सब पत्रकारों को, आप सब साथियों को, आप सब मित्रों को बधाई पूरी 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 साथ, क्योंकि आपने बुजुर्गों की आवाज़ बने। आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बुजुर्गों की आवाज़ बने, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत ताकतवर हो, आपको सोशल मीडिया को मोदी जी ने भी सम्मानित किया, आपको कांग्रेस भी आके बुला बुला के पुचकारती है, आपको सारे नेता पुचकारते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप लीडर हो, आप दूसरे नेताओं को, चमचों को, दलालों को, ऐसा शब्द बोलूँगा मैं, बुरे शब्द है, उनकी आप वीडियो करके उनको नेता बना देते हो। और आप अगर देश के सही मुद्दे उठा दोगे, आप देश के मुद्दे उठा दोगे तो आप स्वयं लीडर बन जाओगे। और ऐसा मैं करके देख चुका हूँ, ऐसा मेरे जीवन में ये घटित हो चुका है कि मैंने जब बुजुर्गों का मुद्दा उठाया तो बुजुर्गों ने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया। कंधों पर बिठाने का मतलब है सर आंखों पर बिठा लिया, और बुजुर्गों ने उठकर कहा कि मनोज बेटा जा, तू आवाज उठा और हम तेरे साथ हैं। तो आज मैं बुजुर्गों की आवाज उठा रहा हूँ, देश के करोड़ों बुजुर्गों की एक आवाज आपने बना दिया है मुझे, और ये आवाज उठ रही है आज। तो जंतर मंतर पर आज जो धरना प्रदर्शन था, मैं बता दूं उसका मुख्य उद्देश्य था जंतर मंतर पर कि भाई बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। बुजुर्गों में मैं ईपीएस 95 के बुजुर्गों की बात करूं, एक योजना थी केंद्र सरकार की 1995 में आई ईपीएस 95। क्या सब जवाब दिखाए गए? ये सब जवाब दिखाए गए कि सरकारी कर्मचारियों की तरह आपको पेंशन मिलेगी, आप इस फंड में कंट्रीब्यूट करो, आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा, आपको जीवन में कभी कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? आज मिलती है पेंशन 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए कंट्रीब्यूशन के बाद। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकारों से, क्या कंट्रीब्यूशन के बाद अगर आप 800 रुपए दे रहे हो, 900 रुपए दे रहे हो, क्या 900 रुपए में आज के जीवन में एक सिलेंडर भी आ सकता है? क्या 900 रुपए में 2-3 मोबाइल भी चार्ज हो सकते हैं? क्या 900 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसलिए उनकी मांग है 78 लाख बुजुर्गों की, उसमें से लाखों बुजुर्ग, ऐसा नहीं है कि सबको 900 मिल रही है, कुछ को थोड़ी बहुत ज्यादा मिल रही होगी, 1800 भी मिल रही होगी, 1200 मिल रही होगी, 1500 मिल रही होगी, 3000 भी मिल रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15000 तक की लिमिट बनाई है, लेकिन मिलती कितनों को है? 30 से 32 लाख लोगों को 1000 के आसपास पेंशन मिल रही है, 32 लाख देश के बुजुर्ग। शर्मानी चाहिए सरकारों को, 10 साल से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़ा टॉप का नेता बोलते हैं, कहते हैं मैं तो इस देश की दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा आपको। अरे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा का करेगा क्या जब उसके घर में खाने को रोटी नहीं होगी? मैं केजरीवाल जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो चले गए हो अंदर, आप तो बड़े घर में हो, आप तो आलीशान घर में हो, 45 करोड़ के घर में से निकल के आप
500 करोड़ की जेल में पहुंच गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप और बड़ी जेल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, कहीं भी चले जाओ, ये गए क्यों आप कि लगातार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, कितनी बार झूठ बोलोगे, कितनी बार पलटोगे? अरे इतना तो नीतीश कुमार भी नहीं पलटे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं गए जितनी बार केजरीवाल जी आप पलट गए अपना वादा करके। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली में वृद्धा पेंशन क्यों रुकी हुई है? दिल्ली में पिछले 7 सालों से वृद्धा पेंशन के नए आवेदन क्यों बंद है? दिल्ली में वृद्धा पेंशन का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया गया है? दिल्ली में वृद्धा पेंशन का जो पिछले कई सालों से 2-2.5 हजार रुपया है वो क्यों नहीं बढ़ाई गई है? तो दिल्ली का भी बड़ा मुखर मुद्दा है, वृद्धा पेंशन का मुखर मुद्दा है, ईपीएस 95 का मुखर मुद्दा है, और आज धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं, धमकी नहीं कहूंगा मैं, चेतावनी कहूंगा, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि केजरीवाल जी क्या और बड़े घर में जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते तो जनता आपसे आपकी आम आदमी पार्टी भी छीन लेगी, आपका ताज भी छीन लेगी, और आप इस्तीफा दो ना दो जनता लात मारकर अगले चुनाव में आपको सड़क पर ला देगी, क्योंकि आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो आपका भी सम्मान नहीं होगा। दूसरी जगह मैं बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप तो बड़ा कहते हो झोला उठा के चले जाओगे, झोला उठा के चले जाओगे, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे आपके जो छोड़ दिया इस बार हमने, थोड़ा बहुत तुम्हारी आपकी अच्छाई होगी, कुछ होगा आपके लिए जो छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी झोला उठा के जाना पड़े। 78 लाख बुजुर्गों की आवाज को दबाओ मत, उनकी आवाज को सुनो, और सुना है आपने 2 बार लेकिन करते कुछ नहीं हो, ये मत करो, ऐसा मत करो। और कोई किसी वजह से आप नहीं हारे हो, इसी वजह से हारे हो कि आपने बुजुर्गों की आवाज दबा दी, बुजुर्गों की आवाज अनसुनी कर दी, और सोचा ये तो घर में पड़े हुए बुजुर्ग हैं, बीमार है, ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। तो मैं बता दूं 78 लाख बुजुर्ग हैं जो पेंशन की पीड़ा झेल रहे हैं, और 7 करोड़ के करीब ईपीएफओ में लोग हैं, 7 करोड़ जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल हो गए 8 करोड़। और 8 करोड़ इस देश के अंदर लगता है, 8 करोड़ के अगर परिवार मिला लो तो 8 में अगर 10 लोग कर लो, एक बुजुर्ग के तो बेटे भी होते हैं, उनके भी बेटे हो जाते हैं, तो एक परिवार में 10 लगा लो तो 80 करोड़ हो गए। और 80 करोड़ जनता फिर भी डर के, सहम के, आपको प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी चाहे आपने उन्हें पटा लिया हो राम मंदिर के नाम पे या किसी भी नाम पे, लोगों ने वोट दे दिया है आपको, लेकिन अब इनमें से बहुत सारे लोग नाराज हैं, और ये साफ साफ 1 महीने की चेतावनी दे रहे हैं। आप सब मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, 1 महीने की चेतावनी है केजरीवाल जी को भी है और मोदी जी को भी है। लेकिन क्या मांगे, कितना पेंशन मिलना चाहिए? देखिए 7,500 रुपए की तो बहुत पुरानी मांग है, ईपीएस 95 के लोगों की 7,500 रुपया मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, डीए मिलना चाहिए। मेडिकल और... तो दे रही है साहब, तो मोदी जी ने 5 लाख रुपए बोला तो है। मोदी जी तो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं 15 लाख दूंगा, दे दिए क्या, जुमले बोलते हैं। अगर मोदी जी ने बोला है तो कहाँ दे, ये अभी मैं दिखा दूं आपको 800 नाम से मेडिकल बने हैं, उन्हीं को मिल रहा है, जीवित है उनको मेडिकल नहीं मिला। ये भी आयुष्मान योजना के तहत मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं आयुष्मान योजना के तहत वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक योजना में जो CGHS के कार्ड हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं क्या? और मेडिकल बहुत सारा ESI होता है, बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटीज होती है, जब ये रिटायर होते तो कहाँ मिलती है इनको मेडिकल फैसिलिटीज? मनोज जी, इसी जंतर मंतर पे ईपीएस 95 के जो कर्मचारी है धरना दे रहे थे, हाँ, लेकिन वो लोग 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिले, लेकिन क्या लगता है वो जब 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 नेताओं की गोद में खेलना शुरू कर देंगे, जब हमारे नेता, मैं कहता हूँ वो किसी भी के नेता हूँ, वो किसी भी संगठन के नेता हो, वो ईपीएस के नेता हो, वो कांग्रेस के नेता हो, वो बीजेपी के नेता हो, जब वो नेताओं की गोद में, वो किसी भी सामाजिक संगठन के नेता हो, वो जब वो नेताओं की गोद में खेलना शुरू कर देंगे, क्या जरूरत थी इन ईपीएस के नेताओं को कि हेमा मालिनी के चुनाव के प्रचार में जाना, हम सांसदों के चुनाव का प्रचार करोगे? अरे जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिलवा पाए उनका आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, इसलिए आपकी मनसा पर शंका जाहिर होती है, आपकी मनसा पर सवाल उठते हैं कि आप सचमुच ईपीएस की बात उठा रहे थे या सरकार की गोद में खेल रहे थे, इसीलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। अगर ठीक थे तो ठीक थे, शांत रहते, अगर आप ईपीएस की लीडरशिप थे तो किसी भी नेता को ना कांग्रेस को कहते ना बीजेपी को कहते, लेकिन अगर आप कुछ नेताओं के गोदी में खेल रहे हो और फिर सोच रहे हो कि आपको नेतृत्व दिया जाए तो शंका तो होगी। मेरा सवाल है, मैं उनके उनके जो काम पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये मेरा सवाल है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि नेताओं का चुनाव प्रचार करना पड़ा, जबकि आप पेंशन के लिए 10 साल की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कुछ तो मजबूरी रहती है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब ये मजबूरी वही जाने, आपका कोई अगला सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल है सर, हाँ
मेरा सवाल ये है कि आप दोनों सरकारों के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर सवाल पूछ रहे हैं, दोनों सरकारों तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार हो? देखिए आप बहुत पत्रकार हैं, मेरे सीनियर दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारों पे दो अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए जिससे सवाल है, अगर दर्जी के पास जाओगे तो कपड़े सिलवाओगे और नाई के पास जाओगे तो बाल कटवाओगे। तो जो ईपीएस 95 का सवाल है वो मैं मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, और दिल्ली में वृद्धा पेंशन का सवाल है तो मैं केजरीवाल जी से पूछूंगा कि जिसके अधिकार क्षेत्र में जो आएगा उसी से पूछा जाएगा। आजकल तो पता नहीं है, लोगों की नाली खराब होती है और मोदी हाय हाय चिल्लाते हैं, और लोगों को देश की सीमा पर सुरक्षा चाहिए होती है और केजरीवाल हाय हाय कहते हैं। तो हमें इतना भी तो अधिकार होना चाहिए कि हम किससे पूछ रहे हैं, जो दे सकता है हम उसी से पूछेंगे और लगातार पूछेंगे। कोई और जिस प्रकार मोदी जी 400 की बात कर रहे थे, 240 पे रह गए, क्या ये पेंशनर्स के वोट कटे हैं? अब की पार कहीं नदियां पार ना हो जाए, अभी तो 400 पार थे, कहीं अब की बार कहीं झोला उठा के ना जाना पड़े। तो ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दम भरते हैं, ये नेतागिरी करते हैं 400 पार 300 पार, जनता की भी तो सुनो। हम तो कह रहे हैं 500 पार चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं। मनोज जी कहीं आप भी इसमें नेता तो नहीं बनना चाहते? आप लोग बना दोगे, मैं तो आप ही का साथी हूँ और आप मुझे तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ मैं देना चाहूंगा। अगर मनोज जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर मात्र 2 दिन के लिए बैठा दीजिए, अगर पेंशन पूरी 10,000 ना कर दूं तो मेरा नाम बबलू। देखिए देखिए देखिए, हाँ ये भी बात सही है कि चलिए नेता बना दीजिए, प्रधानमंत्री पद दे दीजिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, सिर्फ 2 दिन में 10,000 वृद्धों को मिलेगी, 2 दिन में, तीसरा दिन नहीं होगा, सिर्फ 2 दिन के लिए बैठा दीजिए। जब विधायक को सांसद को पूरी फैसिलिटी मिल सकती, लाखों रुपए इनको अलाइनमेंट मिल सकता है, घूमने के लिए मिल सकता है, तो वृद्धों को क्या पेंशन 10,000 रुपए नहीं मिल सकती है? इनकी सिर्फ 1 महीने की पेंशन और सैलरी बंद कर दीजिए, और ये कहते पैसा नहीं है, 1 महीने की सैलरी बंद करने से बुजुर्गों का सम्मान मिल जाएगा, उनको पेंशन मिल जाएगी। कोई और सवाल आपका? मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि जो भी अमेंडमेंट हो रहे, ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है वो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए ईपीएफओ को कि भाई इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, केरला हाई कोर्ट ने फैसले दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, यहाँ तक कि नेताओं ने भी इनका वो करा कि भाई पेंशन बढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद जो ये है एमपी एमएलए इनकी तो हर बार बढ़ जाती है, और जितने बार जीतेंगे उतने बार नई पेंशन बनेगी और डबल, और पहली पेंशन काटेंगे नहीं और बढ़ा देंगे, तो ये और जो 30-30 साल 35